जय माता दी भक्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु कैसे बद्र का आश्रम में विराजमान हुए और कैसे बना बद्रीनाथ तीर्थ धाम। एक बार भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव से मिलने बद्र का आश्रम में आए। भगवान शिव अलकनंदा नदी के किनारे अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन थे और माता पार्वती एक गुफा में भगवान शिव के लिए भोजन बना रही थी। भगवान शिव ध्यान के पश्चात भोजन करने बैठे, तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी आए। नारद जी ने बीड़ा बजाई और कहने लगे कि श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। तभी भोलेनाथ सुनकर उठ खड़े हुए और बाहर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी को देखकर बोल उठे, प्रभु आज कैसे आना हुआ? भगवान विष्णु बोले कि बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, लक्ष्मी जी की भी इच्छा थी बद्र का आश्रम को देखने की। कैलाश पर्वत को लक्ष्मी जी ने देखा था। माता लक्ष्मी अलकनंदा नदी के किनारे दर्शन करने लगी। भगवान शिव की गुफा अलकनंदा नदी के किनारे पर थी। वह जगह माता लक्ष्मी जी के मन को भा गई और लक्ष्मी नारायण जब वैकुंठ पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने भोजन नहीं किया। तो भगवान विष्णु पूछने लगे कि लक्ष्मी तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो? तो माता लक्ष्मी बोली कि मुझे भूख नहीं है। और एक दिन माता लक्ष्मी जी ने बिल्कुल भोजन नहीं किया। तो भगवान विष्णु पूछने लगे कि आखिर तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो, बताओ। तब माता लक्ष्मी बोली कि मुझे अलकनंदा नदी का तट बहुत पसंद आ गया है, हमें वहीं रहना है। तब भगवान नारायण सोचने लगे कि भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, बद्र का आश्रम में न जाने कैसे एक गुफा बनाई है, उनसे कैसे इस गुफा को भी ले लिया जाए, पर माता लक्ष्मी भोजन नहीं करें। तब श्री हरि विष्णु 4 महीने के बच्चे का रूप लेकर अलकनंदा नदी के किनारे रोने लगे। तब माता पार्वती ने शिशु के रोने की आवाज़ सुनी तो भगवान शिव से कहा कि प्रभु कोई बालक रो रहा है। तब भगवान शिव ने कहा कि रो रहा है तो रोने दो। माता पार्वती ने कहा कि चलो चलकर देखते हैं कि किसका बालक रो रहा है। फिर भी भगवान शिव नहीं उठे चलने को। तब माता पार्वती गईं जहाँ बालक रो रहा था। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं दिखा और बालक अकेला रो रहा था। तब माता पार्वती बालक को उठाकर ले आईं तो भोलेनाथ से बोली कि देखो कितना सुंदर बालक है। फिर भी भगवान शिव ने आंखें नहीं खोली। तब माता पार्वती कहने लगी कि देखो प्रभु कितना सुंदर बालक है, भगवान सदाशिव तो अंतर्यामी हैं, वह तो सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे ही भगवान शिव ने आंखें खोली नारायण को देखा तो सब समझ गए। जैसे ही शाम का समय प्रदोष काल आया तो माता पार्वती जी से बोले, चलो पार्वती भ्रमण का समय हो गया है, एक भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जो प्रदोष काल संध्या काल में भ्रमण करने निकलते हैं सुख सौभाग्य बांटने, इसीलिए संध्या काल में हिंदू धर्म में झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बाल काटना, श्रृंगार करना वर्जित है, चाहे आगे करो चाहे पीछे करो। पार्वती उस बालक को लेकर चलने लगी तो भगवान शिव बोले कि बालक को यहीं छोड़ो। तब पार्वती ने बालक को वहीं छोड़ दिया और सदा शिव के साथ चल पड़ी। जब लौट कर आईं तो गुफा में भगवान नारायण और लक्ष्मी को देखा तो नारायण और माता लक्ष्मी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और बोले कि माता यह स्थान हमें बहुत
पसंद आ गया है, यह स्थान हमें दे दो। माता पार्वती मना करने लगी। तब सदाशिव बोले कि पार्वती, नारायण को तुमने गोदी में उठाया है, इसलिए तुम्हारे बालक हो गए और तुम यह स्थान नारायण को दे दो। तब सदाशिव बोले कि यदि नारायण और लक्ष्मी यदि बद्रा के आश्रम में रहेंगे तो हम केदारेश्वर में रहेंगे। तब नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, तुमने सदाशिव का घर छुड़वाया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक ही मंदिर में नहीं रहूँगा। तो भगवान शिव बोले कि नारायण, नहीं, अगर तुम एक साथ नहीं रह सकते तो तुम मंदिर में अंदर रहो और लक्ष्मी बाहर रहेंगी। आज भी बद्री नारायण में नारायण अंदर हैं और लक्ष्मी बाहर। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे भोलेनाथ, यह आपकी भूमि है। मैं वचन देता हूँ कि अगर कोई भी बद्रकाश्रम में हाथ में चने की दाल लेकर आएगा और ओम नमः शिवाय जपकर मुझे चढ़ाएगा तो मैं उसके भंडार भर दूंगा। इसलिए बद्रीनाथ जी में ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल चढ़ानी चाहिए। तो भक्तों, हमारी यह कथा कहानी तथा जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।